हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आपके कार्बनिक रसायन की। वो कार्बनिक रसायन क्या होता है? हमने पढ़ा कि कार्बन अपने अलग अलग गुणों के लिए सबसे अलग है। अलग अलग गुणों के लिए सबसे अलग का मतलब क्या है? कि जितने बाकी के तत्व हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, उनसे कुछ भिन्न है। और इसी भिन्नता के कारण ये क्या करता है, ये बहुत सारे अन्य परमाणुओं से जुड़ करके अलग अलग तरह के यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, इन सभी यौगिकों को हम एक साथ कहाँ पढ़ते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कार्बनिक रसायन में हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? कार्बन और उस कार्बन से बने हुए यौगिकों को पढ़ रहे हैं। ओके, तो इतना आप लोगों ने इसमें देखा था। फिर हमने क्या कहा था कि कैटिनेशन, और कैटिनेशन यानी श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है। श्रृंखलन के अलावा इसमें कौन सा गुण पाया जा रहा था आपका? टेट्रावेलेंसी हमें देखने को मिलती थी। हमने कार्बनिक यौगिकों की आकृति की बात की थी कि इनकी आकृति यानी कि शेप किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, और हमने पाई आबंधों के सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो समझे थे। साथ ही हमने स्ट्रक्चर्स की बात की थी लास्ट सेशन में, कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिलता है तो उसके आप तीन तरह के स्ट्रक्चर बता सकते हैं। एक आपने कहा कि डैश के रूप में, कोवेलेंट बॉन्ड को डैश के रूप में दिखाइए, वो आपका क्या होगा? डैश स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा आपने क्या कहा कि डैश हटा दीजिए वहां से, और कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के रूप में एक यूनिट के रूप में उनको बताइए, वो आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता रहा था। और वहीं पर फिर हमने क्या कहा कि लाइन के रूप में आप स्ट्रक्चर को बनाइए, संरचना को किसके रूप में बनाइए? लाइन के रूप में बनाइए, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका रेखा आबंध जो सूत्र, या कहा जाएगा रेखा सूत्र भी आप उसको कह सकते हैं, जहां पर आप सिर्फ लाइन के रूप में किसी कंपाउंड को का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ओके, तो इतना आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। फिर हमने किसकी बात की थी कि कोई भी अगर कार्बनिक अणु है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका थ्री डायमेंशनल या त्रिविम संरचना उसकी होती है, जहां पर हम क्या बोलते हैं कि उसका बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं है। जैसे हम क्या दिखा रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इधर इधर सब जगह हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बल्कि कार्बन जो होता है वो थ्री डायमेंशन में, एक बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, एक उस साइड को बनेगा, एक इस साइड को, इस तरह से उसके बॉन्ड बनेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की उसमें आप क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, उस तरह की उसकी शेप होगी। ओके, तो उस तरह की शेप में जब वो थ्री डायमेंशनल शेप बनेगा तो वो आप एक ही प्लेन में कैसे दिखाएंगे? हम तो कॉपी में पढ़ रहे हैं या फिर हम इस स्क्रीन में इसको देख रहे हैं, तो आप एक प्लेन में बताइए कि एक प्लेन में एक थ्री डायमेंशनल वाले मॉलिक्यूल का शेप कैसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो बॉन्ड आपका इस तरफ आगे की तरफ को आ रहा होगा उसको सॉलिड से दिखा दीजिए, तो ये बॉन्ड आपका डार्क सॉलिड से दिखाया जाता है। वहीं जो बॉन्ड आपका इस कार्बन के साथ पीछे की साइड को बन रहा होगा उसको डैश के द्वारा दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉन्ड का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन इधर को कहीं को जुड़ रहा होगा, इधर को। ठीक है, वहीं इसकी बात की जा रही है तो ये आपका कहाँ जा रहा होगा, इस कार्बन के पीछे कहीं को जा रहा होगा। ओके, तो इतना आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, क्लासिफिकेशन की बात की थी, यानी कि वर्गीकरण। और वर्गीकरण किसका? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण। ठीक है, तो उनका वर्गीकरण हम देखते हैं, ए साइक्लिक ओपन चेन वाले कंपाउंड आते हैं, और दूसरा हमने उनको किसमें डिवाइड किया, साइक्लिक यानी कि क्लोज्ड बंद जो आपके संरचनाएं दिखती हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इस तरह से दो में, एक ओपन चेन में एक साइक्लिक में। ओपन चेन आपका आगे जाके अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड में डिवाइड हो जाता है, जो कि क्या कहता है, सेचुरेटेड यानी संतृप्त वाले क्या हैं आपके, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और असंतृप्त वाले क्या हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। ओके, वहीं पर साइक्लिक या क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड जो आपके आते हैं वो क्या कहते हैं कि एक बंद के रूप में संरचना होगी। ठीक है, या साइकिल के रूप में, साइकिल आपको पता है चक्र के रूप में, ठीक है, चक्रीय संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे जाके आपकी चक्रीय संरचनाएं दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, या आप चक्रीय कंपाउंड जो आपके होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े हुए आपके बने हुए बंद और उनके द्वारा बने हुए जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो मिलते हैं,
हेट्रोसाइक्लिक में आपका रिंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और अन्य तत्व जब आ जाता है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। होमोसाइक्लिक हमने कहा दो प्रकार के होंगे, एक एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। फिर आप एरोमेटिक को आगे जाके पढ़ते हैं कि जो बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में आपका डिवाइड हो जाए। ओके, तो इतना आपने यहाँ पर देख लिया था अपने लास्ट सेशन में भी। आगे हम एक एक करके इनको पढ़ें। सबसे पहला आता है आपका एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, जिनको आप एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी अचक्रिय तथा विवृत श्रृंखला वाले जो आपके यौगिक होंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, दीज कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड, इनको क्या कहा जाता है, एलिफेटिक भी कहा जाता है, एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। या तो ये स्ट्रेट में मिलेंगे या आपको ब्रांच के रूप में मिल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो C2H6 का एग्जाम्पल हमने ले लिया। C2H6 क्या है आपका, इथेन। इथेन क्या कह रहा है, इथेन कह रहा है मेरे पास दो कार्बन हैं, दोनों सिंगल बॉन्डेड हैं और तीन आपके क्या हैं, हाइड्रोजन। तो ये किसी भी प्रकार का बंद या चक्रीय कोई संरचना नहीं बना रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक श्रृंखला के रूप में आपके कार्बन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, या ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे श्रृंखला के रूप में आपको एटम जुड़े हुए मिल रहे हैं। वहीं पर दूसरा आपका क्या हो सकता है, इथेन का ही दूसरा ले लो, इथीन। ये तो इथेन था, इथेन क्या, इथीन में क्या होता है, इन, इन बताता है डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड आ जाएंगे, तो यानी C2H4, ये इथीन हो गया। ओके, इसके अलावा दूसरा क्या है आपका, इथाइन। इथाइन आपका कहता है कि इथाइन में इथ 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 सब जगह कॉमन है, यानी दो ही कार्बन है, तो इसमें भी दो कार्बन है, लेकिन आइन आपको यहां पर जो आइन है वो बता रहा है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड आएंगे। ओके, और अब इनकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए देखो, कार्बन की होती है चार वैलेंसी, टेट्रा वैलेंस वैलेंट नेचर पढ़ा हमने इसका, तो एक कार्बन की तीन वैलेंसी यहाँ से पूरी हो गई, एक रह गया, तो वो कौन करता है, हाइड्रोजन। इधर भी एक रह गया है, वो हाइड्रोजन। ओके, तो इथेन, इथीन, इथाइन। ओके, तीन आपके इस तरह के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ओके, तो ये तीनों किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स में। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, तो पहला टाइप ये होता है, पहली क्लास ये होती है जहां पर हम बोल रहे हैं कि ओपन चेन के रूप में आपको क्या दिख रहे हैं, कंपाउंड्स दिख रहे हैं। इनके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, इनके साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड करके आप एलिफेटिक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार हमने किसकी बात की, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड की बात की, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहले प्रकार में आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप जो आपने इससे पहले पढ़ा, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कितने टाइप के ये होते हैं। तो ये बेसिकली होते हैं दो टाइप के। पहला टाइप आपका कहता है सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा आपके आते हैं अनसैचुरेटेड। ये आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो जब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड कहीं पर मिलता है, दैट मींस सैचुरेशन कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं, अनसैचुरेशन कह रहा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड क्या है, वो है जो खुली श्रृंखला में आपको मिल रहे। ओके, चलिए दूसरा है एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स, यानी चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा वलीय यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, दैट मे बी होमोसाइक्लिक। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, जो कि क्या हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर, यहाँ पर हम एग्जाम्पल अभी आपको बताते हैं। तो एलिसाइक्लिक एलिफेटिक चक्रीय यौगिकों में
कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय वलय बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाते हैं, एक समचक्रीय वलय, यानी इसमें आप एक समान चक्र के रूप में, बंद के रूप में आप किसको पढ़ते हैं, अलग अलग, ये जो साइक्लिक आपने पढ़ा ना, इसमें आप इसको पढ़ें। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी बेंजीन। और क्या आता है इसमें, टोलुइन आ सकता है और फिनॉल आ सकता है। हेट्रोसाइक्लिक में आप क्या पढ़ते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में आप जैसे फ्यूरॉन पढ़ते हैं, थायोन पढ़ते हैं, तो ये सारे एग्जांपल होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आपके। ओके, चलिए जल्दी से बना लीजिए इनको। आगे देखते हैं, आगे आपका एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, दीस इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग्स, कंपाउंड्स लाइक एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स मे आल्सो हैव हेटरो एटम इन द रिंग, सच एटम्स आर कॉल्ड हेटरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। सच सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। तो इसमें भी दो तरह से आपके आ रहे हैं, एक कह रहे बेंजोनाइड, एक कह रहे नॉन बेंजोनाइड टाइप। तो बेंजोनाइड में जिनमें बेंजीन रिंग होगी, और आपके हेट्रोसाइक्लिक या विषम चक्रीय यौगिकों में अलग से आप तत्वों को पढ़ते हैं। तो बेंजीन या बेंजीनॉइड सम्मिलित है एलिसाइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक यौगिकों की वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक भी इनको कहा जा रहा है। ओके, तो इस तरह से हम आगे जाके रिंग कंपाउंड्स को फिर क्लासिफाई करते हैं उनकी एरोमेटिसिटी के बेस पे, जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं, जिसमें आपका बेंजीन भी हो सकता है, या बेंजेनॉइड वाले हो सकते हैं, या फिर नॉन बेंजेनॉइड वाले हो सकते हैं। प्यूरेन, थायोफिन, पायरिडीन, ये किसके हैं, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए जल्दी से पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स को नोट करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड आप किनको कहते हैं, जिनमें आपके डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं, या आप क्या कहते हैं, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जहां पर पाए जाते हैं, ऐसी रिंग पाई जाती है जिनमें, तो जनरली आप उनको एरोमेटिक रिंग कहते हैं, या बेंजीन रिंग से बनने वाले कंपाउंड्स को भी आप एरोमेटिक रिंग कहते हैं। तो जिस प्रकार बेंजीन रिंग है ये, इससे आपने NH2 जोड़ दिया, ठीक है, या बेंजीन रिंग है, इससे क्या जोड़ दिया आपने, CH3 जोड़ दिया, ठीक है, ये एनिलीन हो गया, ये टॉलुइन हो गया, इस प्रकार बेंजीन रिंग है, इससे आपने OH जोड़ दिया, ये फिनॉल हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। ओके, चलिए विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो विषम चक्रीय, जैसे हमने पहले बोला कि विषम चक्रीय आपके क्या होते हैं, जहाँ पर आपके एरोमेटिक यौगिक जो हैं वो विषम संख्या में आपको मिल रहे होंगे, तो आप उनको क्या कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ओके, जल्दी से इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे आप लोग।
पायरेडीन में आपका बेंजीन के नीचे वाला पॉइंट हटाकर वहां पर आप क्या ऐड कर लेते हैं, एन ऐड कर लेते हैं। ओके चलिए जल्दी से बनाइए इनको। तो आपका फ्यूरेन हो गया विषम चक्रीय में, यानी एक अलग सा एटम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर दूसरा कोई एटम यानी सल्फर आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार पायरेडीन मैंने आपको अभी क्या बताया कि आपके बेंजीन रिंग के समान रिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आप एन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, पायरेडीन कहा जाता है। ओके, तो ये आपके किसके हो गए, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक हो गए। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर कंपाउंड्स देख लिए, ओपन चेन वाले आपने देखे, साइक्लिक में आपने होमोसाइक्लिक देख लिए, हेट्रोसाइक्लिक देख लिए, फिर आपने उसमें क्या कहा, हेट्रोसाइक्लिक वाले में भी आपने अलग से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख लिए। ओके, किस तरह से। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल के ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ओके, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस मॉलिक्यूल में कोई और मॉलिक्यूल या कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ होगा। ओके, ये जो मैंने रेड पार्ट जोड़ा, ये पूरा एक मॉलिक्यूल था यानी अणु था, इससे कोई प्लस क्या जुड़ गया, ये एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ रहा है। अब मैं कह रही हूं इस पूरे मॉलिक्यूल की जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज होंगी या गुण होंगी वो ये डिटरमाइन करेगा, ये जो पार्ट है। ठीक है, ये इसको इसके गुणों को डिटरमाइन करेगा। तो इस रेड वाले पार्ट को, इस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को ही क्या कहा जाएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा, यानी क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहा जाएगा। ओके, तो द फंक्शनल ग्रुप आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। यही मैंने लिखा कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो या तो एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा, यानी एक परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा। ओके, जॉइंट इन अ स्पेसिफिक मैनर, किसी ऐसे स्पेसिफिक मैनर में जुड़ा हुआ होगा, विच डिटरमाइंस द, जो कि क्या बताएगा, क्या प्रदर्शित करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ये किसी भी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ एक ऐसा परमाणु या एक ऐसे परमाणुओं का समूह है जो इस मॉलिक्यूल के ज्यादातर गुणों को डिटरमाइन करेगा। ओके, इसीलिए इसी एटम को जो क्या कर रहा है, ज्यादातर केमिकल या रासायनिक गुणों को डिटरमाइन कर रहा है या बता रहा है, उसके उनकी व्याख्या कर रहा है, या उसके ज्यादातर, इस मॉलिक्यूल के ज्यादातर जो गुण हैं वो इसी पर निर्भर करते हैं। तो इसी को आपका क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह कहा जाएगा। ओके, द एग्जाम्पल आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH एक्सेट्रा। तो क्रियात्मक समूह हो गया किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह, जो कि क्या करेगा, कार्बनिक यौगिक में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसी के कारण इस पूरे मॉलिक्यूल के रासायनिक गुण क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। उदाहरण क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है, एल्डिहाइड समूह है आपका, और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि उसके नाम से ही फंक्शनिंग पर डिपेंड करेगा, यानी कि वो उसके काम क्या है, वो काम क्या करेगा, उसकी विशेषताएं क्या है। तो पूरे मॉलिक्यूल की विशेषताएं अब सिर्फ उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर निर्भर रहेंगी। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, मॉलिक्यूल में कितने ही कार्बन है, कितने ही हाइड्रोजन है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है तो फिर आपका पूरा ही कार्बनिक यौगिक चेंज हो जाएगा, और आप क्या कहेंगे कि उनकी ज़्यादातर रासायनिक गुण उससे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप।
चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके? जैसे हमने कहा अल्कोहल है एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अल्कोहल क्या होता है? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला में OH जुड़ा हुआ है, दैट मींस कि वहाँ क्या है? अल्कोहल है वो एक, ठीक है। तो अल्कोहल का एग्जांपल जैसे आपके पास कोई है CH3, CH2, ये आपकी एक कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला है, इसमें OH जुड़ा हुआ है, तो यानी ये एक अल्कोहल है। तो अब इस CH2CH3 से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक मॉलिक्यूल है जिससे कि OH जुड़ा हुआ है। अब सारे जो रासायनिक गुण होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? आपके OH के पर डिपेंड करेंगे। या आप क्या कहेंगे, जो भी ये पूरा मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपका रासायनिक गुण दिखाएगा वो उन सभी के लिए OH उत्तरदायी होगा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड आपका हो गया जैसे आपने लिखा CH3, CH2, CH2, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका एक एल्डिहाइड है, तो इसमें भी ज्यादातर गुणों के लिए ये ग्रुप क्या होगा? उत्तरदायी होगा, ओके। वहीं पर किसकी बात की हमने? हमने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये भी आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसके जो ये COOH ग्रुप है, इसके कारण ज़्यादातर आपके क्या होंगे, पूरे मॉलिक्यूल के रासायनिक गुण इसी पर निर्भर करेंगे या यही उन सब के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस तरह से आपका अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, हेलोजन का आपका होता है, हैलाइड्स जो होते हैं, हेलोजन ग्रुप जुड़ता है आपका, ठीक है। आपका एमाइड हो गया, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और अमाइन होते हैं, अमाइड अमाइन हो गए, साथ में एस्टर होता है आपका COO, और ईथर होता है O ग्रुप, कीटोन होता है CO, और जैसे फिनॉल की बात करते हैं आप अल्कोहल के साथ फिनॉल, तो जब बेंजीन रिंग में आपका OH जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? फिनॉल कहा जाता है। तो इस तरह से ये सारे आपके क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप हैं, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। एक होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक होमोलोगस सीरीज एक ऐसी श्रेणी होती है जहाँ पर आपके कंपाउंड्स में जो होता है वो CH2 का, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस देखा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपकी होमोलोगस सीरीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये जनरली सारे एक ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, बस डिफरेंस किसका आता है? एक CH2 यूनिट का आता है, तो इसी को आपका होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइन एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? समान होंगी। जब फंक्शनल ग्रुप समान है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? समान होंगी। And the successive members differ from each other in molecular formula by CH2 unit. और एक CH2 का unit का मतलब क्या है? 14 mass unit. तो अगर उन दोनों एक homologous series की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक के बाद दूसरा जो compound आ रहा है उनमें 14 mass unit का molecular mass का difference देखने को मिलता है। तो यही आपके क्या हैं? Homologous series के member हैं। The members of a homologous series can be represented by same जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये सेम एक ही जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला से दिखाए जाते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, एक ही, एक समान मतलब, ठीक है। और सजातीय श्रेणी बनाते हैं, इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है? सजात कहा जाता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा क्या करते हैं? बताते हैं। इसके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में मध्य इकाई का अंतर होता है, कितने का? CH2 यूनिट का, यानी कि 14 मास यूनिट का। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन और इथेन का। मीथेन क्या है? CH4, और इथेन है आपका C2H6। तो ये दोनों एल्केन में ही आते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप आपका सेम हो गया, सिंगल बॉन्डेड है दोनों, सैचुरेटेड में आते हैं आपका। दूसरा आपने क्या कहा, इनमें डिफरेंस किसका है? यहाँ एक कार्बन ज्यादा है और दो हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस। तो ये दोनों क्या है? होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ओके। सेम एक और ले लेते हैं, CH3OH और आपका CH3CH2OH।
ये दोनों भी होमोलोगस सीरीज में आएंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखो फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप समान हो गया तो यानी केमिकल प्रॉपर्टी समान हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी समान हो गई। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपका डिफरेंस आ रहा है एक CH2 यूनिट का, यानी अगर मॉलिक्यूलर मास देखा जाता है तो 14 मास यूनिट का डिफरेंस आएगा दोनों में। जितना मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा इससे 14 मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। ओके तो इतना आपको समझ में आ गया होगा किसमें, होमोलोगस सीरीज में। आप ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आप इथेन के बाद प्रोपेन की बात कर लो C3H8, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी एक CH2 का डिफरेंस आएगा। ओके तो इसी प्रकार जहाँ पर एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर मास में आपका 14 मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, बाकी फंक्शनल ग्रुप समान है और आपके फंक्शनल ग्रुप के समान होने से केमिकल प्रॉपर्टी समान है, इनका जो जनरल फॉर्मूला आता है इनके लिए वो एक फंक्शनल ग्रुप के लिए या एक ही सीरीज के लिए समान होता है, इन्हीं सबको आपका क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणियां कहा जाता है। ओके तो इतना होपफुली आपको इस सेशन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन किसकी, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। दो तरह से क्लासिफाई किया, ओपन चेन में और साइक्लिक में। ओपन चेन में श्रृंखला वाले मिल रहे थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डबल सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। वहीं पर आपने क्या कहा, जो क्लोज्ड हैं उनको होमोसाइक्लिक हेटरोसाइक्लिक में आपका क्लासिफाई कर देंगे। होमोसाइक्लिक में आपका क्या आ जाएगा, ए साइक्लिक एलीसाइक्लिक या फिर आपका क्या हो जाएगा, जो एरोमेटिक वाले होते हैं जहां आप कहते हैं कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके और वहीं पर हमने जो हेटरोसाइक्लिक अलग रखा उसमें हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी आपका रिंग में कोई और एटम आ जाता है। ओके जहां पर हमने फ्यूरेन का, थायोफीन का, आपका पायरोल का केस आता है, पायरीडीन का देखा हमने। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हमने क्या बात की, फंक्शनल ग्रुप की बात की कि फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है। तो हमने कहा किसी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो ज़्यादातर उसके रासायनिक गुणों को क्या करता है, उन रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसी को आपका फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, जिसमें हमने एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन देखा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड हो गए, एस्टर, ईथर, ये सारे आपके किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। फिर हमने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनके फंक्शनल ग्रुप समान है, केमिकल प्रॉपर्टीज समान है, लेकिन उनमें डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर मास में और आपके मॉलिक्यूल जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस आ रहा है एक CH2 यूनिट का या आपके 14 मास यूनिट का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है। तो ऐसे आपके जो कंपाउंड होते हैं या मेंबर होते हैं वो एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं। ओके तो इतना जो आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है अच्छे से। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।